जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो या कुछ अलग से स्नैक्स खाने का मन हो तो आप इसको एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार होता है और हम इसको बोतल की सहायता से बनाएंगे, वो भी बिल्कुल लाजवाब बनकर तैयार होगा। आप इसको पार्टी स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार होता है और बारिश में इस चटपटे नाश्ते को तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो उससे पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिजी मॉम लर्निंग सेंटर में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमको एक बड़ा सा बाउल लेना है और यहाँ पर मैंने 1/3 ये कर्ड लिया है दही, ये बिल्कुल फ्रेश दही है। इसके साथ हम इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मिक्स करने से क्या होगा, दही में सोडा डालने से क्या होगा कि दही में अच्छे से फर्मेंटेशन होगी और ये जो हमने जो बुलबुले जो आपने मैसूर भाजी बनाई है ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी, बिल्कुल ऊपर से कुरकुरी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर दही के साथ सोडे को अच्छे से फेंट लेना है। आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पर हमने 1/3 कप दही लिया था, उसी कटोरी से मेज़र करके आपको यहाँ पर 1/2 कटोरी मैदा लेनी है, मतलब आधा कटोरी, मतलब आधा दही और उससे डबल मात्रा में आया मैदा लेनी है हमको और इसको यहाँ पर अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो आप देख सकते हैं दही इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। तो हमें यहाँ पर इसका एक पतला सा डो तैयार करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से फेंटेंगे। तो यहाँ पर फेंटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से फेंटेंगे तभी हमारे मैसूर भाजी अच्छे से फ्लफी बनेगी। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से फेंटने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि इसमें कितना बढ़िया फर्मेंटेशन हो रहा है। इसको अच्छे से यहाँ पर अच्छे से फेंटने के बाद इसको 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। तो बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमको कढ़ाई में इस तरह दोनों साइड से एक धागा बांधना है। तो मैं धागा इसलिए बांध रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बोतल से बताऊँगी कैसे बनाते हैं, क्योंकि जो शुरू में बिगनर्स होते हैं वो भाजी बनाने में थोड़ी उनको प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर आप इसी तरह की कोई भी बोतल ले लीजिए, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बोतल ली है। तो यहाँ पर अब हम इसके ढक्कन में हमें एक छेद करना है। तो मैंने यहाँ पर पेचकस को अच्छे से यहाँ पर गर्म कर लिया है और इसमें हम छेद करेंगे। तो आप जितना बड़ा चाहें, जितनी बड़ी बड़ी भाजी बनाना चाहें उतना बड़ा इसमें छेद कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत आसानी से इसमें छेद हो जाता है। तो बोतल की हेल्प से ये भाजी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतना बड़ा इसमें होल कर लिया है। अब हम इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें ऐड कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसमें डालने से इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर हो जाता है। तो इसमें हमने ऐड कर दिया है 3 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है जिनको मैंने बारीक कट कर लिया था। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पालक बारीक कट कर ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पर हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। तो आप इसमें चाहें तो अपने अनुसार धनिया भी ऐड कर सकते हैं, जो भी सब्जी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, पर बारीक कटी होनी चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें इसे अच्छे से बिल्कुल मिलाना है जिससे कि सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसका घोल जितना परफेक्ट बनकर तैयार होगा मैसूर भाजी उतनी ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। तो ये भाजी बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बहुत ही मज़ेदार खाने में लगती हैं। आप चाहें तो इनको पार्टी के स्नैक्स में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। बारिश के मौसम में तो ये नाश्ता और भी बढ़िया लगता है खाने में। तो ये देखिए इस तरह की आपको पॉलीथीन ले लेनी है और एक ग्लास में इसकी तरह हम इसको इस तरह लगा देंगे और जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था इसमें हम फिल करेंगे। तो एक बार से इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हमने इसे देखिए इस तरह पॉलीथीन में इसको भर लिया है। तो ये हमारी एक तरह की कोन बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, जो हमने बोतल में छेद किया था वो बोतल ले लेनी है। ये देखिए तो बोतल ऐसे गिरेगी, तो इसको हमने ग्लास में रख लिया है और इसको में थोड़ा सा कट लगा के इसमें सारा हम पेस्ट भर देंगे बोतल में। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और फ्रेंड्स खाने में इतनी लाजवाब बनकर तैयार होती है। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इस रेसिपी के बारे में पता चले। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप ये मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए हमने इसको अच्छे से फिल कर लिया है, पूरी बोतल हमने इस तरह भर ली है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस अच्छे से गर्म हो गई है। देखिए इस तरह हम इसको इस तरह डालते जाएंगे, इस तरह धागे की हेल्प से इसको इस तरह
दूर दूर इस तरह कट कर कर डालते जाएंगे, ना हमें कट करना है ना कुछ करना है। और गैस के फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखना है। आप देख सकते हैं कितने डालते ही तुरंत ऊपर आ रहे हैं और कितने गोल गोल बनकर तैयार हो रहे हैं। तो जो शुरू में बनाना चाहते हैं, अगर पकौड़ी डालने में उनको दिक्कत होती है, तो इस तरह बोतल से वो आराम से इसको बना सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे डालना है। ये देखिए कितने गोल गोल बनकर तैयार हुए हैं, कितने फूल कर ऊपर आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। और बनाना भी इसको बहुत आसान है। तो उलटते पुलटते हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड एक बार से आप इसको अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, बहुत ही बढ़िया नाश्ते की रेसिपी है। तो आप भी बारिश के मौसम में कुछ अलग खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी एक बार से जरूर ट्राई कीजिए। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, इनको निकाल लेते हैं। तो मैं आपको दोबारा से और बताऊंगी कि आपको उस तरह किस तरह तोड़ना है। जबकि आपके यहाँ कोई पार्टी हो या कोई आपके यहाँ फेस्टिवल हो, बच्चों का बर्थडे वगैरह हो, तो आप इसको बनाकर आसानी से बच्चों को सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इतने आराम से बनकर तैयार हो जाता है, कितने बढ़िया गोल गोल बनकर तैयार हो रहे हैं। देखिए कितने फ्लफी बनकर तैयार हो रहे हैं, तुरंत ऊपर आ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया बनकर भी तैयार होते हैं, कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड एक बार से इनको जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही लाजवाब नाश्ता बनकर रेडी होता है। तो ये मैंने हाथ से तोड़कर दिखाए हैं आपको, ये हाथ से बनकर तैयार हुए हैं। और आपको बोतल का भी दिखा रही हूँ, देखिए बोतल से बनकर तैयार हुए हैं। तो दोनों ही मेथड बहुत आराम से बनकर तैयार हो जाता है दोनों मेथड से। और ये देखिए कितने बढ़िया फ्लफी बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको चटनी सॉस किसी के साथ भी सर्व कीजिए, चाय के साथ, ये नाश्ता बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं देखकर। तो आप इसको बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत ही खाने में लाजवाब लगते हैं। तो ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक फ्रेंड लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।